हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमको पॉलीमर चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक पढ़ने मिलने। फर्स्ट है हमारा रबर, रबर में हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रबर पढ़ेंगे। सिंथेटिक हमने पहले भी पढ़ा था एक बार। और इसके अलावा हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रबर से। तो रबर सबको पता है, रबर में भी नेचुरल और सिंथेटिक है। हम बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो हमको पता है नेचुरल रबर में क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। रबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए नेचुरल रबर हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो हमको पता है रबर ट्री से एक लिक्विड निकलता है जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स। तो हमारा जो नेचुरल रबर हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, हम लोग लेटेक्स से बनाते हैं। और लेटेक्स क्या है, ये एक हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें रबर इन वाटर होता है। जिसमें मतलब मीडियम तो क्या होगा, हमारा वाटर होगा। और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, रबर है। ठीक है, इट हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो नोन एज इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए इसको क्या नाम से जानते हैं, इलास्टोमर के नाम से। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रबर लेटेक्स व्हिच इज अ कोलोइडल डिस्पर्शन रबर इन वाटर। ये कोलोइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशन है इसका, रबर इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री। जो लेटेक्स हमको मिलता कहां से है, रबर ट्री से मिलता है। अच्छा, बात करें केमिकल के केमिकल कंपोजिशन क्या है। नेचुरल रबर मे बी कंसीडर एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। मींस ये किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है। आइसोप्रीन हमारा कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-methyl-butadiene-3-diene। तो ये क्या है, ये मोनोमर है। किसका मोनोमर है, रबर। ये पूछे नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, तो तुम लिख सकते हो आइदर, तो तुम आइसोप्रीन लिख सकते हो, आइदर क्या लिख सकते हो, 2-methyl-butadiene-3-diene। आईपीएस नेम तो है 2-methyl-butadiene-3-diene और कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रीन। अच्छा, तुमको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो पॉलीमर बनेगा, ये पॉलीमर कैसा है, ये हमेशा सिस कॉन्फिगरेशन में मिलेगा। ठीक है, तो हमने बताया था ना बच्चों, सिस क्या होता है, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो यहाँ पे जो सेम ग्रुप है, इफ वो सेम साइड में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। और इफ यही अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो ये कौन सा हो जाता था, हमारा ट्रांस कॉन्फिगरेशन हो जाता था। बट जो नेचुरल रबर है वो ऑलवेज किस कॉन्फिगरेशन में मिलेगा तुमको, सिस कॉन्फिगरेशन मिलेगा। और नेचुरल रबर का दूसरा नाम है सिस पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि इसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। तो इसके लिए हमको तो इसको क्या बोलना था, पॉली आइसोप्रीन। बट ये कौन से कॉन्फिगरेशन में मिल रहा है हमको, सिस कॉन्फिगरेशन में मिल रहा है। सिस कॉन्फिगरेशन में क्या होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं। तो ये हमारा सिस कॉन्फिगरेशन है, तो इसको क्या बोला हमने, सिस पॉलीआइसोप्रीन। अभी थोड़ी देर में हम इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और इस सिस स्ट्रक्चर की वजह से ये स्ट्रक्चर कोल्ड होती है और ये स्प्रिंग की तरह इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, इस वजह से इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। चलो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमने जो हमारा रबर है नेचुरल रबर वो कैसे बना है मोनोमर से। ठीक है, तो मोनोमर का नाम याद होगा आपको, मोनोमर क्या है इसका, मोनोमर का नाम क्या होता है बच्चों, 2-methyl-butadiene-3-diene। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं मोनोमर की, ब्यूटा वन थ्री डाइन। ब्यूटा का मतलब कितने कार्बन होंगे, चार कार्बन होंगे। वन थ्री डाइन का मतलब फर्स्ट और थर्ड पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, 2-methyl। मतलब सेकंड पे कौन सा ग्रुप है हमारा, मिथाइल ग्रुप है, और बाकी जगह हम हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है हमारा मोनोमर किसका, नेचुरल रबर जिसका नेम है आइसोप्रीन, या को आईपीसी नेम हो जाएगा 2-methyl-butadiene-3-diene। तो हमने पढ़ा है ये मोनोमर, देखो इस मोनोमर में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये कौन सा पॉलीमर फॉर्म करने वाला है, एडिशन पॉलीमर फॉर्म करेगा। इफ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता तो कौन सा पॉलीमर बनता, कंडेंसेशन। बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा पॉलीमर बनाएगा, एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। तो मैं इसके लिए इसके दो तीन ग्रुप ऐसे ही खोल लेता हूं, तो दो तीन मोनोमर और लिख देते हैं हम लोग सेम। तो बच्चों ये आपको याद है हम कैसे बनाते थे एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर में हम मोनोमर में क्या करते थे, बॉन्ड को मूव कराते थे। यहां से एक बॉन्ड पीछे से यहां आ रहा होगा, ये बॉन्ड आगे जा रहा होगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और ये
न्यूबॉर्न आगे चल जाए। मैं अभी सिस ट्रांस का ध्यान नहीं रख रहा हूं, मैं अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता हूं, उसके बाद हम लोग उसको सिस में चेंज करके देखेंगे। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, एक बॉन्ड आ गया, ये हो गया हमारा CH2, यहां हो गया सिंगल बॉन्ड, ये CH3, यहां हमारा हो गया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2, यहां भी सिंगल हो गया CH3, यहां डबल बॉन्ड हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बॉन्ड कैसा हो गया बच्चों, डबल हो गया CH CH2। तो बस हमने बॉन्ड को मूव कराया और इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर हमको मिल गए। बट हमने क्या किया, हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई है, जबकि हमको पता है कि नेचुरल रबर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिस फॉर्म में होता है। मींस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो सेम एलिमेंट्स है वो सेम साइड होना चाहिए। तो इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास एक तो CH3 है और एक ये कार्बन की चेन है, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन की चेन है। तो सिमिलर ग्रुप कौन से है, कार्बन की चेन सिमिलर ग्रुप है। सेम यहां देखो, इस कार्बन के पास एक CH3 है और एक कार्बन की चेन है, और इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन है। तो कार्बन की चेन क्या है, सिमिलर ग्रुप है, तो हमको उसको क्या करना है, हमको उसको सेम साइड में रखना है। तो मैं क्या करता हूं, जो कार्बन की चेन है उसको नीचे रखता हूं और बाकी जो भी H या CH3 एलिमेंट्स है मैं उनको ऊपर लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल इसको बनाते हैं, तो ये सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, इसमें CH3 तो हमने लगा दिया ऊपर, और जो चेन है कार्बन की उसको लगा दिया नीचे मैंने CH2, चल रहा है, ठीक है। अब इस पे देखिए, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो तो मैंने लगाया ऊपर, बट जो कार्बन की चेन है मैं उसको कहां लगा दूंगा, नीचे। फिर इसको बनाते हैं सी डबल बॉन्ड सी, इसमें भी ये जो कार्बन की चेन है इसको हम कहां लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या है हमारा CH3, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन वाली चेन कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहां भी डबल बॉन्ड CH3 को हम ऊपर लगा देंगे और जो कार्बन की चेन है उसको नीचे लगा देंगे। तो ये बन गया। तो ये है एक्चुअली में हमारे नेचुरल रबर की स्ट्रक्चर। कंफ्यूज नहीं होना है, तुम पहले मोनोमर बनाओ, बॉन्ड शिफ्ट कराओ, तुम्हारा पॉलीमर बनेगा। बट उसके बाद तुम इतना याद रखना कि नेचुरल रबर कैसा होता है, सिस पॉलीमर होता है। तो जो सिमिलर ग्रुप है उनको सेम साइड रख देना, तो तुम्हारा सिस पॉलीमर बन जाएगा। तो ये है हमारे नेचुरल रबर की स्ट्रक्चर, जिसका दूसरा नाम है सिस पॉली आइसोप्रीन। अच्छा बात करते हैं, जो नेचुरल रबर होता है, जो हमको रबर लेटेक्स से मिलता है या लेटेक्स से जो मिलता है, वो क्या होता है, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो हाई टेम्परेचर पे तो सॉफ्ट होता है, बट लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है। मतलब वो ज्यादा कूल प्लेस में यूज करेंगे तो वो अपने आप ब्रेक होने लगता है, थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेचेबल नहीं होता, वो ब्रेक हो जाता है। देन नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है कि वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। हम तो नहीं चाहेंगे ना हमारा कोई सॉल्वेंट रबर के ऊपर गिरा और सब रबर उसमें सोल्यूबल हो गया। देन एक और प्रॉपर्टी है उसकी, जो रेजिस्टेंस नहीं होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के टुवर्ड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज किया जाए, हम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, मोर इलास्टिक हो जाए, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर लो है तो वो ब्रिटल हो जाए, ठीक है, और मोर रेजिस्टेंट हो जाए। इसलिए क्या करते हैं हम, उसके अंदर सल्फर मिला के हीट करते हैं। नेचुरल रबर के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फर मिक्स करके हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। करना क्या है, नेचुरल रबर लिया, उसके अंदर हमने सल्फर मिक्स किया और हीट किया, इस प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी रबर की लेयर्स होती है उसके अंदर सल्फर की इंटरलिंकेज फॉर्म हो जाती है और मोर इलास्टिक हो जाता है। चलो स्ट्रक्चर से देखते हैं। वल्केनाइजेशन इज द हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विद सल्फर एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव टू इंप्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट रबर इज नोन एज वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनाते हैं हम लोग, सिंपली रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं। अच्छा होता क्या होगा, चलो हम पहले रबर की स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से सिंपल वाली। ये हमारे रबर की स्ट्रक्चर थी।
तो जब हम इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं तो जो रबर और रबर की जो लेयर होती है उसके बीच में सल्फर बॉन्ड की इंटरलिंकेज फॉर्म हो जाती है। जैसे एक और लेयर बना लेता हूं मैं रबर की, तो होता क्या है यहां पे ये डबल बॉन्ड तो हो जाता है ब्रेक, और यहां पे सल्फर की क्या हो जाती है इंटरलिंकेज फॉर्म हो जाती है, यहां पे बीच में बॉन्ड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो पहले क्या था कि जब हम लोग रबर को स्ट्रेच करते थे तो वो क्या थे उनमें लिंकेज उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो वो क्या था ब्रिटल था, ब्रेक हो जाता था। बट अभी क्या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या होती है ये लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती है स्लिप करती है, इसलिए क्या हो जाता है जो हमारा रबर होता है वो क्या हो जाता है मोर इलास्टिक हो जाता है। और इससे पहले भी हमने जो नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर देखी थी कोइल्ड वाली जो स्ट्रक्चर देखी थी हमने बच्चों याद है ना आपको, किस टाइप का था कुछ इस टाइप का था, ये चल रहा था यहाँ पे एच और यहाँ पे भी कुछ चल रहा, तो इस टाइप की सिस कॉन्फ़िगरेशन था। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या था हम इस दोनों को स्ट्रेच कर पा रहे थे, तो इसमें कोइल्ड स्ट्रक्चर थी इस वजह से ये क्या था इलास्टिक। तो बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की तो हमारे पास तीन सिंथेटिक पॉलीमर है, फर्स्ट है हमारा नियोप्रीन, सेकेंड है हमारा बूना एन और थर्ड है हमारा बूना एस, और इन तीनों को हमने लास्ट सेशन में स्टडी कर लिया है। इफ आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा आप जाके देख लीजिए। नियोप्रीन बूना एन और बूना एस ये तीनों के हमारे सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन का मोनोमर आपको याद होना चाहिए क्या था क्लोरोप्रीन था, बूना एन का क्या था ब्यूटा 1,3 डाइईन और एक्रिलो नाइट्राइल, और बूना एस का ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन। ठीक है, तो ये हमने हमारा रबर को कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर की, क्यों हम एग्जैक्टली किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलीमर है उनकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। इस सेम पॉलीमर में लें पॉलीथीन का ही हम एग्जांपल लें तो ऐसा जरूरी नहीं कि तो पॉलीथीन का जो हर मॉलिक्यूल होगा उसकी लेंथ सेम होगी, दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, दैट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमर्स। तो हमारी पॉलीमर की लेंथ फिक्स नहीं है तो हमारे पॉलीमर का मास भी फिक्स नहीं होता, इसलिए हम लोग कभी भी पॉलीमर का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं हम उसका एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं या बोल दो मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों को तुमको बस ये याद रखना है पॉलीमर का मास क्या होता है हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, बट हम लोग उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसका एवरेज या बोल दो मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल तो आप सब लोग समझते हैं, जिसको भी हम लोग एंजाइम्स की हेल्प से कैटेलाइज करा के ब्रेक कर दें, छोटे छोटे कंपाउंड से ब्रेक कर दें, या जिसके भी हम लोग सेगमेंट बना सकें जिस भी चीज के, वो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो पॉलीमर को हम एंजाइम्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं डिग्रेड कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं वो क्या है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपको पता ही है इसकी यूज क्यों पड़ी, क्योंकि आजकल क्या है पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है गार्बेज, और गार्बेज क्यों होता है क्योंकि हम चीजें बना तो सकते हैं कुछ बहुत सारी चीजें जो हम बना सकते हैं पर वापस से डिकम्पोज हम कर नहीं पाते। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन हम लोग बना सकते हैं पर डिकम्पोज होता नहीं है, तो वो क्या है वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए एक टाइप का पॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो पॉलीमर हम लोग बनाए वो कैसे हो बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि फ्यूचर में वो वापिस से क्या हो जाए डिकम्पोज हो जाए। चलो वापिस से देखते हैं बायोडिग्रेडेबल polymers that can be broken into small segments by enzyme catalyzed reaction are known as biodegradable polymers. Since carbon-carbon bond of chain growth polymer are inert towards enzyme, तो carbon और carbon का जो bond होता है वो inert होता है enzyme के द्वारा। carbon और carbon के bond को कभी भी enzyme हमारा break नहीं कर सकता, तो हम उसको overcome करने के लिए क्या करते हैं, ये तो non-degradable polymer हो गए तो हम इसको ओवरकम इनको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने के लिए क्या करते हैं इंसर्ट एस्टर ग्रुप इनटू पॉलीमर। तो जो हमारी पॉलीथीन है वो तो क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो हम क्या करेंगे जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में क्या लगा देंगे एस्टर ग्रुप लगा देंगे। इफ हमने एस्टर के ग्रुप लगा दिए तो क्या होगा कि जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था वो क्या बन जाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चलो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल देखते हैं एलिफेटिक पॉलिएस्टर। ठीक है, एलिफेटिक पॉलिएस्टर जितने भी है वो सब के सब क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
हाँ तो हम बात करते हैं फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है हमारा, जो इसको हमको स्टडी करने एग्जांपल्स में, वो है हमारा पीएचबीबी। पीएचबीबी के फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। फुल फॉर्म याद करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा 2-3 बार। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पीएचबीबी, फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, अच्छा बात करें इसके मोनोमर्स की। हमने बोला है जब भी हमको पॉलीमर पढ़ना है तो हमको पता होना चाहिए उसको मोनोमर क्या है। तो इसके दो मोनोमर है, 3-hydroxybutanoic एसिड एंड 3-hydroxypentanoic एसिड। चलो बताते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होंगे बच्चे, चार ना, एसिड है तो एसिड का ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप COH, और 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी मींस OH, तो थर्ड पे हमने लगा दिया OH, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 3-hydroxybutanoic एसिड, और सेकंड हम बना लेते हैं 3-hydroxypentanoic एसिड। तो 5 कार्बन लगाने हैं हमको, पेंटेनोइक एसिड मतलब COH, और थर्ड पे क्या लगाना है OH लगाना है। तो ये बना दिया हमने, तो ये हमारा हो गया 3-hydroxypentanoic एसिड और ये हो गया 3-hydroxybutanoic एसिड। हाँ हाँ मुझे पता है कि एन मोनोमर लेना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बताओ बच्चों ये कौन सा पॉलीमर है, ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, अनसैचुरेशन नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा पॉलीमर फॉर्म होने वाला है हमारा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म होने वाला है। कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे फॉर्म होते थे, वहां से क्या करते थे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते थे। तो चलो बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, तो होगा क्या, ये रहा हमारा एसिड, ये रहा हमारा बेस, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहां से हम लोग ये लेंगे OH और यहां से क्या ले लेंगे H, एसिड से तो जाएगा हमारा OH और अल्कोहल से क्या जाएगा H, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। सेम यहां नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो इसका क्या लेके जा रहा होगा OH, सेम यहां जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है वो यहां से इस अल्कोहल से क्या लेके जाएगा H, तो ये सब निकल जाएगा। तो फाइनली हम बनाते हैं यहां हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है और उसके पास एक वैलेंसी है, इस ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है एक CH कनेक्ट है और इस CH के ऊपर एक CH3 ऊपर नीचे जहां भी लगा, ठीक है, उसके बाद क्या इस CH से क्या कनेक्ट है CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज यहां फॉर्म होगा, यहां पे क्या आ गया हमारा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है हमारा CH, इस पे क्या है इस CH पे क्या है एक CH2 CH3 कनेक्ट है, इस CH पे आगे CH2 देन C-O, यहाँ पे फिर से लिंकेज होल है, ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी PHBB की। तो ये PHBB हो गया, PHBB के फुल फॉर्म में याद करनी है पॉलीबीटाहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवेलरेट, और मोनोमर है 3-hydroxybutanoic एसिड और 3-hydroxypentanoic एसिड। बात करें इसके यूजेस की, इसके मेनली 3 यूजेस है, एक तो इसका यूज है पैकेजिंग में, किसी सामान को पैक करने के लिए इसके मटेरियल बनते हैं, ठीक है पैकेजिंग में यूज होता है। सेकंड हमारा ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में इसका यूज होता है, और थर्ड है कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स में भी हमारा पीएचबी का यूज होता है। तो मतलब बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लास्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 के मोनोमर्स की बात करते हैं। फर्स्ट हमको किसी भी पॉलीमर को जानने के लिए उसको मोनोमर्स पता होना चाहिए। तो इसके दो मोनोमर है, एक तो है हमारा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बच्चों आपने बायोलॉजी में सुना होगा, ये हमारा अल्फा अमाइनो एसिड है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड हम लोग पढ़ते हैं किसी भी टेबल में, वो उसका नाम क्या है ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर है, और दूसरा मोनोमर है इसका अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी हमारा अमाइनो एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि 6 कार्बन का एसिड है और लास्ट कार्बन पे क्या लगा रखा है हमने NH2 लगा रखा है, तो एक कार्बन तो COH में यूज हो गया और 5 कार्बन की जगह हमने क्या लगा दिया CH2।
चलो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैसे बनता होगा। NH2CH2CH पॉलीमर की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। NH2CH2 whole 5 CO, अच्छा इसको एक्सपेंड करके बना देते हैं COH को, COOH पर N मोनोमर्स लेंगे हम। तो बताओ बच्चों ये कौन सा पॉलीमर है? साफ है कौन सा पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि एडिशन पॉलीमर्स के मोनोमर्स में हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि कंडेंसेशन में क्या होते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हो करना क्या है, अपना क्या है, अपने को पानी निकालना है, तो हमको यहां से वाटर रिमूव करना है। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो NH2 है इसके HH अलग करके देंगे, यहां से हमारा OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा H, यहां से वाटर रिमूव हो गया। इस एट शीट का OH नेक्स्ट कार्बन के H नेक्स्ट वाले के H के साथ चला जाएगा, और यहां से जो एक H है उसको पीछे वाला OH ले जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। यहां पे क्या बच गया हमारा NH, ऊपर बना लेते हैं H को, उसके बाद ये CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां लिंकेज फॉर्म हो गया, ये बन गया हमारा NH, ये हमारा CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O होल है। तो ये हमारा पॉलीमर बन गया, और इस पॉलीमर का नाम क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अच्छा बात करें ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो बच्चों कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हमारे पॉलीएमाइड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है, CONH लिंकेज को हम लोग क्या बोलते थे, अमाइड लिंकेज बोलते थे। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, हमारे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड के अंदर हमने पहले से ही दो पढ़ रखे थे, कौन कौन से, नायलॉन 6 6, सेकंड हमने पढ़ा था नायलॉन 6, और एक और ऐड हो गया उसके अंदर नायलॉन 2 नायलॉन 6, जो क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बच्चों आज हमारे जो चैप्टर है पॉलीमर वो खत्म हो गया। इस चैप्टर को आपने समझा है तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो इसका एक ही तरीका है समझने का, इसकी स्ट्रक्चर आप बार बार खुद से कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। जब आपको मोनोमर्स याद होंगे तभी आपको पॉलीमर याद आएगा, डायरेक्टली आपको पॉलीमर याद नहीं होगा। जैसे ब्यूना एस की स्ट्रक्चर मुझे कोई पूछता है तो मैं नहीं बना पाऊंगा डायरेक्टली, मुझे मोनोमर याद नहीं, मुझे मोनोमर याद है तो मैं बना दूंगा, मुझे याद है ब्यूटा 1,3-diene और स्टाइरीन है तो बन जाएगा। चलो थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.